हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मेरा नाम नूरुल्लाह अज़हरी है और मैंने पिछले एक दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें क्लासरूम की वो वीडियो थी जिसमें कुछ थोड़ा बहुत इश्यू था, लाइटिंग की इश्यू थी, साउंड क्लियर नहीं आ रहा था। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि लाइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी हो जाए और माइक यूज़ किया है ताकि साउंड थोड़ा अच्छा आ पाए। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। वो वीडियो जो थी क्लासरूम की वीडियो थी, अभी जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अपने रूम पे कर रहा हूँ। अब जो वीडियो आएंगी ये सारी वीडियो सिस्टमेटिक आएंगी। वो तो एक रैंडम टॉपिक पे बनाया गया था वीडियो और मुझे स्टार्ट करना था तो वो अपलोड कर दिए थे। अब जो वीडियोस आएंगी वो सीरियली आएंगी, एक पैटर्न में आएंगी। मैंने सोचा है कि क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, CBSE क्लास 10th का। हो सकता है ये एग्ज़ाम पेंडेमिक की वजह से कैंसिल हो या फिर पोस्टपोन्ड हो, लेकिन फिर भी अभी 1 महीने का टाइम है। इस पीरियड में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि क्लास 10th फिज़िक्स को बहुत हद तक कवर किया जा सके। तो ये एक सीरीज़ के हिसाब से आपका आएगा क्लास 10th फिज़िक्स। इसको क्रैश कोर्स आप कह सकते हैं, लेकिन क्रैश कोर्स में क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट में निकाला जाता है चीज़ों को। यहाँ पे क्या होगा आपका कि चीज़ों को डिटेल में बताई जाएंगी, सारी चीज़ों को डिटेल में बताई जाएंगी। थ्योरी होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे, थ्योरी को भी पूरा डिटेल में बताया जाएगा। चलिए फिर, यो क्लास 10th की जो होगी उसको क्लास 8 वाले भी देख सकते हैं, उसका फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लास 12 वाले भी देख सकते हैं, उसका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो क्लास 10th का शुरू करेंगे। सबसे पहले क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करते हैं, फर्स्ट यूनिट से, जो कि है लाइट। ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में हम लोगों को जानना चाहिए कि लाइट क्या होता है, आखिर लाइट किसे बोलते हैं। लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोगों को देखने में मदद करती है। तो उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउजेज सेंसेशन ऑफ विजन और विच हेल्प्स अस टू सी। मैंने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है, सेंसेशन ऑफ विज़न। सेंसेशन ऑफ विज़न का क्या मतलब होता है कि देखने की संवेदना। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेंस ऑर्गेन्स हैं, है ना, जैसे नाक है जो कि हमें सूंघने में मदद करती है, कान है जो हमें सुनने में मदद करती है, स्किन है जो हमें टच फील को देखती है, टच फील को सेंस करती है। तो किसी भी सेंस को पकड़ने के लिए हम लोगों का वो सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर कान को सेंस करना है तो उसके लिए साउंड प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है तो उसका कान हम लोगों का सुन पाएगा क्या वो वॉइस? जब साउंड ही नहीं होगा तो कान कैसे सुनेगा, है ना? जब कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, स्किन पे कोई टच का फील ही नहीं आएगा तो स्किन कैसे सेंस करेगा? सेंस नहीं कर सकता है स्किन। कम से कम हवा ही चाहिए स्किन को टच सेंस करने के लिए। उसी तरह से टंग के लिए कोई चीज़ चाहिए हमारे मुंह पे जो उसको टेस्ट कर पाए, है ना। उसी तरह से हम लोगों का जो है देखने के सेंस को एक्टिव होने के लिए, सेंसेशन ऑफ विज़न को एक्टिव होने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरी है? लाइट ज़रूरी है ना। अगर लाइट नहीं है तो हम लोगों का देखने का सेंस एक्टिव नहीं होता है। आँख खोल के भी हम लोग अंधेरे में नहीं देख पाते हैं, है ना। तो देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लाइट है।
तो या तो हम लोग इसको बोल दें लाइट को सेंसेशन ऑफ विजन का काउज, या बोल दें सिंपल वर्ड में कि ये हमें देखने में मदद करती है, विच हेल्प्स अस टू सी। ठीक है, लाइट जो है कुछ नियम को फॉलो करते हैं चलने के लिए। लाइट के कुछ नियम होते हैं फॉलो, लाइट के जो है कुछ नियम होते हैं जिसको लाइट फॉलो करता है। ठीक है, इनमें से जो सबसे पहला नियम है वो है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि लाइट हमेशा सीधी पाथ में चलती है, हाँ? लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पर चलती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज फॉलोज स्ट्रेट पाथ टू मूव, आगे मूव करने के लिए, फर्दर मूव करने के लिए लाइट कौन सा पाथ चुनती है, स्ट्रेट पाथ, या लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि लॉज ऑफ लाइट है ना, लाइट का कुछ नियम है, लॉज ऑफ लाइट। ये जो है पहला जो नंबर दिया है ये किसका दिया है, लॉज ऑफ लाइट का दिया है। आप लोग नोट करते वक्त देख लेना कि ये लॉज ऑफ लाइट इस लाइट के डेफिनेशन के नीचे है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नोट कब करना है, ये बोर्ड पे पूरी पूरा जब लिखा जाए तब आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद उसको नोट कर लेंगे, फिर वीडियो को रिज्यूम करेंगे, है ना? ठीक है, दूसरा जो लाइट का नियम होता है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसको कैसे समझेंगे, मान लिया कि कोई एक लाइट सोर्स से लाइट निकल कर इस तरफ मूव कर रही है और कोई दूसरा लाइट रे लाइट सोर्स किसी दूसरे लाइट सोर्स से निकल कर इस तरफ मूव कर रही है, तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो ना तो ये इस लाइट को लाइट सोर्स के लाइट को डिस्टर्ब करेगा, ना ये लाइट इस लाइट सोर्स के लाइट को डिस्टर्ब करेगा, दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लाइट रे, इसका जो डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लाइट डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर व्हेन दे इंटरसेक्ट। ठीक है, जब लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए मूव करते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो। ठीक है, कर लिया नोट, मिटा दें? चलो मिटा रहे हैं। अच्छा, हेडिंग भी मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग फिर से लिख देंगे। चलिए, आप लोग देख रहे होंगे कि मास्क का यूज़ कर रहे हैं मिटाने के लिए, किसी ने सोचा कि मास्क का यूज़ क्यों कर रहे हैं, और ये कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, चलो हेडिंग फिर से लिख देते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलो, दो नियम तो जान चुके थे लॉ ऑफ लाइट में, तीसरा नियम जानते हैं। तीसरा जो नियम है वो है लॉ ऑफ
रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? लाइट रे को अगर किसी पाथ से भेजा गया हो और उसको हम लोग अगर वापस करना चाहें तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आएगी। दिखाते हैं कैसे। कि मान लिया कोई लाइट रे ऐसे गई, यहाँ पे कोई एक मिरर था, प्लेन मिरर, जिसके वजह से ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ पे कहीं पहुँची। यहाँ पे मैंने एक मिरर और लगा दिया, प्लेन मिरर, ठीक है, यहाँ पे कोई एक प्लेन मिरर लगा दिए, इसके वजह से क्या होगा, लाइट रे यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करके इधर मूव करेगी। यहाँ पे क्या किए हम, लाइट एक प्लेन मिरर ऐसा लगाए कि ये लाइट रे जो है परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है? परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है इस मिरर पे। तो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट जब भी होता है ना लाइट रे प्लेन मिरर में या किसी भी मिरर में परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में वापस लौट जाती है। क्या होता है? उसी पाथ में वापस लौट जाती है। जैसे ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई है ये लाइट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर वापस लौट जा रही है। अगर हम लोग आईने में, अगर कोई आईना रख दें सामने और आईने में टॉर्च मारें, आईने का सरफेस अगर वर्टिकली अपवर्ड रहे और हम लोग हॉरिजॉन्टली टॉर्च मारें तो क्या होगा? परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी आईने में। परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो आपको लगेगा कि टॉर्च में ही लाइट वापस आ रही है। वापस लाइट कहाँ आ रही है? टॉर्च में। अगर थोड़ा सा एंगल करेंगे तो वो लाइट रे अगर नीचे से मार रहे हैं तो ऊपर जाएगी, ऊपर से मार रहे हैं तो नीचे की तरफ जाएगी, है ना? ऐसे मारेंगे टॉर्च तो ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर से मारेंगे तो नीचे की तरफ जाएगी। अगर बराबर में ज़मीन के पैरेलल मारा है और मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर मारा है तो क्या होगा? वो जो है लाइट रे वापस टॉर्च में ही आएगी, है ना? यही होता है कि परपेंडिकुलरली जब भी हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो लाइट रे उसी पाथ को फॉलो करती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो अब यहाँ क्या होगा कि ये लाइट रे इस तरह से इस मिरर तक गई, अब यहाँ पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ है, उस वजह से क्या होगा, ये वापस अब उसी पाथ को वापस आना चाहेगी तो वापस आएगी। फिर से यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्शन होगा इसका, फिर ये इधर, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, इधर जाएगी। तो लाइट रे क्या किया, वापस उसी पाथ को फॉलो किया, है ना, पाथ को रिट्रेस कर लिया। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ व्हेन रिवर्स्ड या व्हेन इट इज रिवर्स्ड, व्हेन इट इज रिवर्स्ड। जब लाइट रे को उल्टा किया जाता है, वापस किया जाता है, तो वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करती है, ठीक है। इसका एक चौथा नियम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग बहुत पॉपुलर है, आप लोग भी जानते होंगे, वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट का परावर्तन, है ना, जिसको हिंदी में परावर्तन बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो हम लोग इसी वीडियो में फर्दर थोड़ी देर बाद जानेंगे, उससे पहले कुछ बातों को और जान लेते हैं। तब तक इसको जो है आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। कर लिया, मिटा दें, ओके। ठीक, उससे पहले जो है ना लाइट के ही कुछ टर्म्स को हम लोगों को जान लेना चाहिए, जैसे कि रे। आखिर लाइट रे मतलब लाइट रे, कौन सा रे? लाइट रे, लाइट रे किसको बोलते हैं, है ना, हैशटैग का यूज़ करते हैं, हैशटैग लाइट रे, ठीक है। तो लाइट रे किसको बोलेंगे हम लोग? लाइट रे जो होता है अ सिंगल लाइन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, लाइट रे जो सीधी पाथ पे गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है,
तो उसका जो एक सिंगल लाइन हम लोग उठाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि बहुत सारी रे चल रही है सीधी रेखा में, है ना, उनमें से एक को पिक किया, इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, है ना, इसी को रे बोलते हैं। रे के बाद हम लोग जानेंगे लाइट बीम, लाइट बीम किसको बोलते हैं, लाइट बीम बोलते हैं ग्रुप ऑफ रेज को, किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रेज, है ना। जब लाइट रे ग्रुप में चले तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइट बीम बोलेंगे, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाइट जो है हमेशा बीम के फॉर्म में ही चलती है, एक सिंगल रे का होना पॉसिबल नहीं लगता है। अगर आप लोग लेज़र लाइट को भी उठाएं तो लेज़र लाइट में भी लगता है कि ना एक पतला सा लाइट रे एक सीधी रेखा में चल रही है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे रेज का ग्रुप होता है एक्चुअली। तो एक सिंगल रे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है, साइंटिफिक लैब्स वगैरह में यूज़ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सिंगल रे का देखना बहुत रेयर है, ठीक है। अच्छा, लाइट बीम के कुछ टाइप्स होते हैं, है ना, इसके तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो डाइवर्जिंग बीम है। क्या है डाइवर्जिंग बीम? डाइवर्जिंग नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ग्रुप ऑफ रे होगा जो किसी एक पॉइंट सोर्स से, पॉइंट लाइट सोर्स से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में फैलेगी, है ना। तो ऐसा लाइट रे का ग्रुप जो किसी एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में फैले उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, है ना। दूसरा होता है पैरेलल बीम, ठीक है। जब लाइट रेज का ग्रुप एक दूसरे के पैरेलली मूव करे, लाइट रे का ग्रुप क्या करे, एक दूसरे के पैरेलली मूव करे, तो लाइट रे के इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। अच्छा, डाइवर्जिंग का एग्जाम्पल कुछ होगा, डाइवर्जिंग का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि डाइवर्जिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जहाँ से भी ज़्यादातर केसेस में लाइट जहाँ से भी निकलती है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम ही होता है। जैसे बल्ब, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट निकलती है, बल्ब से लाइट निकलती है तो अलग अलग डायरेक्शन में फैलती है, अलग अलग डायरेक्शन में फैलती है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। लाइट रे का ऐसा ग्रुप है जो अलग 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 डायरेक्शन में फैल रही है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट से भी लाइट निकलती है तो अलग अलग डायरेक्शन में फैलती है। लैम्प, लैम्प से भी लाइट निकलती है तो अलग अलग डायरेक्शन में फैलती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसका, इलेक्ट्रिक बल्ब लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प, ट्यूबलाइट एटसेट्रा। अच्छा, पैरेलल बीम का एग्जाम्पल, अच्छा पैरेलल लाइट बीम जो होती है ना वो बहुत दूर से डिस्टेंट लाइट सोर्स से आने वाली लाइट रे के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जो लाइट रे बहुत दूर से आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे सन से आने वाली लाइट रेज का ग्रुप वो पैरेलल बीम होता है, स्टार्स से आने वाले लाइट के, लाइट रे का ग्रुप वो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। या फिर गाड़ी को जब हम लोग अप करते हैं ना, गाड़ी के हेडलाइट की लाइट को, व्हीकल के हेडलाइट के लाइट को जब अप करते हैं तब भी जो क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है, क्योंकि जो लाइट रे बहुत दूर तक जा रही है या बहुत दूर से आ रही है उस लाइट रे के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सनलाइट, मूनलाइट, स्टार्स लाइट, सन भी एक स्टार है, स्टार्स लाइट, लेजर लाइट, लेजर को भी बोल सकते हैं लेजर लाइट, लेजर भी, लेजर लाइट भी बहुत दूर तक जाती है। या फिर पहले जमा, पहले जो है 3-4 साल या 5 साल पहले सऊदी अरब में घर के लोग रहते थे तो वहाँ से जो एक टॉर्च लेके आते थे तो वो टॉर्च भी जो है बहुत दूर तक रोशनी फैलाती थी। तो उस टॉर्च से जो लाइट निकलती है ना,
उस टॉर्च से जो लाइट निकल रही होती है, टॉर्च से लाइट कुछ इस तरह से निकलती है, इस डायरेक्शन में भी कुछ लाइट रेज फैल रही है, इस डायरेक्शन में भी कुछ लाइट रेज जा रही है, और कुछ लाइट रेज जो है सीधे बहुत दूर तक जा रही है। तो ओवरऑल टॉर्च तो डाइवर्जिंग लाइट बीम जनरेट कर रहा है ओवरऑल, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स को अगर लें जो कि सामने की तरफ बहुत दूर तक भेज रही है, तो ये लाइट रे का जो ग्रुप है ये क्या है? ये तो पैरेलल है, ये पैरेलल बीम है, और ओवरऑल ये टॉर्च क्या है? डाइवर्जिंग बीम जनरेट कर रही है ना? ओवरऑल ये टॉर्च क्या जनरेट कर रही है? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट जनरेट कर रही है। समझ आ रहा है? चलो इसको नोट कर लो। नोट कैसे करना है पता है ना? वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा लिख लेंगे। हमेशा कॉपी कलम लेके ही बैठना है, जब भी बैठना है कॉपी कलम लेके बैठना है। वीडियो में चीज़ों को समझते जाएंगे और तुरंत नोट डाउन करते जाएंगे, फिर उसी चीज़ को दोबारा हम लोग रिवाइज़ करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा, है ना? पढ़ने का यही सही तरीका है, ऑनलाइन भी पढ़ने का। ऑफलाइन आप पढ़ते हैं तो वहाँ तो नोट्स बनाते ही हैं, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो भी आप लोगों को क्या करना है? कॉपी कलम लेके बैठना है और जो चीज़ टीचर पढ़ाते जा रहे हैं उसको राइट डाउन करते जाना है, ठीक है? और जो क्वेश्चन दिया जाता है, अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके, क्वेश्चन जो दिया जाएगा आप क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, जब खुद से ना हो तब सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है? चलो अच्छा, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये ऊपर वाला मिटा रहे हैं, इसका जो तीसरा पार्ट है, मैंने बताया ना कि लाइट बीम का जो है तीन पार्ट है, यानी कि तीन टाइप होते हैं, तो तीसरा भी टाइप होगा इसका। ये टॉर्च को मिटा दें। चलो पूरा लिख लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को फिर से वो 10-20 सेकंड पीछे करें, रिवर्स करें, फिर तब पॉज करें, तब जाकर लिखें। समझ आ रहा है? ठीक है। ये मास्क से मिटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हाथ को उल्टा करके मिटाना पड़ता है ना? बाएं हाथ को उल्टा करके मिटाओ, और बाएं हाथ से मिटाने का तो प्रैक्टिस रहता नहीं है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो लाइट बीम का जो तीसरा पार्ट है, या तीसरा टाइप कह सकते हैं, वो है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होगी? कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि लाइट रे का ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन से आकर किसी एक पॉइंट पर मिलेगी, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, है ना? कि लाइट रे का ऐसा ग्रुप जो किसी एक पॉइंट पर आकर मिले उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, अब कन्वर्जिंग का एग्जाम्पल कहाँ, ऐसा कहीं हम लोगों को देखने मिलता है? कोई ऐसा टॉर्च है जो कि लाइट फैले हुए लाइट को किसी एक पॉइंट पर मिला दे, ऐसा कोई टॉर्च होता है? या कोई ऐसा भी ऐसा देखा है कहीं आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। ऐसा कहाँ हो सकता है? एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है जो आप लोग देखे होंगे लैब वगैरह में, या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता था पहले। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो आता था वो उतना पावरफुल नहीं होता था, प्लास्टिक का ही बनाया होता था, ग्लास का नहीं बनाया होता था, कागज़ जलाने वाला लेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना? कागज़ जलाते थे, जिससे धूप में रख लें तो कागज़ जलने लगता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली आप लोगों ने किया होगा तो देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि सन से लाइट, सनलाइट में ही हम लोग कागज़ जलाते थे या कागज़ जलाने का काम करेंगे, और सन से जो लाइट आती है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इस पर पड़े, है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इस पर पड़े, तो ये जो लेंस है मैग्नीफाइंग लेंस, ये क्या करेगी? लाइट रे के इसको रिफ्रैक्ट करके, आगे हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, यह क्या हो रहा है, या प्रोसेस ये हो रहा है कि ये जो है कन्वर्जिंग लेंस है, ये कैसा लेंस है? मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस है ये, या मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, और ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? इसी को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम आ गए,
आप लोग बस अभी याद रखो, आगे हम लोग इसको इन सब चीज़ों को डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये क्या करेगी, लाइट रे को कन्वर्ज करती है ना। कोई भी लाइट रे का ग्रुप अगर इस पे आए तो रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे को कन्वर्ज करती है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रे का ग्रुप हमें मिला है, जो लाइट बीम हमें मिली है, वो कैसा बीम है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट का एग्जाम्पल क्या हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास से रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे मिलती है, लाइट रे का ग्रुप मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट रे का या लाइट का जो चौथा नियम था, या तो चौथा बोल दें या फिर ऐसे ही, रिफ्लेक्शन तो जानना ही है, टॉपिक ही है वो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग पहले से भी हो सकता है सुन रखे हों, रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, लाइट का, लाइट रे का या ग्रुप ऑफ, हमेशा तो ग्रुप में ही निकलती है लाइट, तो लाइट ही बोलेंगे, लाइट का किसी भी सरफेस से टकरा कर वापस आने के फेनोमेना को, वापस आने के घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। किसी भी सरफेस से, चाहे वो सरफेस स्मूथ हो, चाहे वो सरफेस रफ हो, है ना, कोई भी सरफेस हो, उससे अगर लाइट टकरा कर वापस आ रही है उसी मीडियम में, लाइट टकरा कर किस मीडियम में आती है, वापस उसी मीडियम में आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, इस पे जो लाइट पड़ रही होगी, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो पड़ रही है तो टकरा कर वापस जा रही है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। और जो है ये रिफ्लेक्शन होगा वो सेम मीडियम में होगा, है ना, जिस मीडियम में लाइट उस सरफेस पे पड़ेगी वापस उसी मीडियम में ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे इस कमरे में हवा है, इस कमरे से जो है बल्ब से जो लाइट आ रही है वो वापस तो हवा में ही जाएगी ना, है ना। अब जब दो मीडियम रहता है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, वो अभी आएगा, फर्दर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन चाहे स्मूथ सरफेस में हो या फिर रफ सरफेस में हो, स्मूथ सरफेस में भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, लाइट आएगी टकरा कर वापस किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, कोई रफ सरफेस हो यहाँ पे भी लाइट रे आ सकती है, आके टकरा कर वापस किसी दूसरे डायरेक्शन में जा सकती है, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, लाइट रे जब किसी स्मूथ सरफेस में, जब रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जब रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस में हो, किसी खुरदरे सरफेस में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसको भी लिख ही देता हूँ, यहाँ तक लिख लिया, इन दोनों फिगर को मिटा दे रहे हैं। रिफ्लेक्शन का टाइप, नंबर वन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन
किसी स्मूथ सरफेस में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन. व्हेन रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, है ना, ऑन अ या ऑन स्मूथ सरफेसेस, जब रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन. जैसे कि मान लिया कोई एक प्लेन मिरर रखा है, प्लेन मिरर एक स्मूथ सरफेस है ना, एक प्लेन मिरर है जो लाइट रे इस पे आएगी, वो जो है एक रेगुलर तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, है ना. देख दिख रहा है, जिस तरह से आई थी उसी तरह से वापस जा रही है, तो एक रेगुलर तरीके से वापस दूसरे दूसरे डायरेक्शन में टकरा कर जा रही है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर, या फिर इसको हम लोग डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, जब रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो है वो किसी रफ सरफेस से हो, किसी रफ सरफेस से हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. लिख देते हैं नीचे, व्हेन रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन रफ सरफेसेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इसका फिगर यहाँ बना दे रहे हैं, ये कोई एक रफ सरफेस का पार्ट उठाए हम लोग, अगर लाइट रे यहाँ पड़ती है तो कुछ इधर जा सकती है, अगर इस जगह पे पड़ती है तो इधर चले जाएगी, है ना, इस जगह पे पड़ती है तो इस तरफ जा सकती है, तो एक रेगुलर पैटर्न नहीं बन रहा है रिफ्लेक्शन का, है ना, इसीलिए इसका नाम है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए. बिठा दें, ठीक ठीक है. अब इसके बाद जानेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉज हैं, है ना. रिफ्लेक्शन जो लाइट का होता है ये कुछ नियम को फॉलो करते हुए ही होता है, ठीक है, तो उस लॉ को जानेंगे हम लोग. अगला हेडिंग दो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एक स्मूथ सरफेस पर रिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाते हैं. ये कोई एक प्लेन मिरर है, लाइट रे आई है, टकराकर वापस जाएगी. सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल. लाइट रे जो मिरर पे आती है, आने वाले लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे. टकराकर जो लाइट रे वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. जिस पॉइंट पे लाइट रे आकर इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, और ये क्या है, कोई मिरर है, सरफेस है कोई. ठीक है, अच्छा तो रिफ्लेक्शन का जो पहला नियम है वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस के परपेंडिकुलर बना नॉर्मल
ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। क्या बोला? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बना सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बना नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती है। मतलब तीनों एक ही प्लेन पर होगी। एक ही प्लेन पर होने का मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन है अभी तीनों बोर्ड के प्लेन को टच कर रही है, मार्कर से लिखा है। ऑब्वियस बात है जब मार्कर से बोर्ड पे लिखेंगे तो बोर्ड के प्लेन पे टच करेगी। प्रैक्टिकली कैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर लाइट रे हम लोग सीधे ऐसे नीचे कोई प्लेन मिरर एक बिछाया हुआ है, ठीक है, कोई टॉर्च से लाइट ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, तो टॉर्च से हम लोग ऐसे अगर सीधे लाइट मारें तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सीधे उस पार से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, सीधे निकलेगी। वो ना तो इस डायरेक्शन में निकलेगी ना इस डायरेक्शन में निकलेगी। जब सीधे निकलेगी और इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों जो है एक प्लेन में लाई करेगी। अगर उन तीनों के पीछे एक कोई पर्दा, कोई कागज़ या कोई पोस्ट कार्ड रखें तो वो तीनों जो है, तीनों रे नहीं, दो रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया है, वो तीनों क्या होगा, एक ही सरफेस पर लाई करेगी, है ना, एक ही प्लेन पर लाई करेगी। कोई एक प्लेन अगर सटा दें उस पर तो वो तीनों टच करेगी प्लेन पर। तीनों टच करने का मतलब कि ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रही है। समझ आ रहा है? चलो लिखते हैं इस चीज़ को। इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ आ गया? चलो एक बात और जानते हैं। ये तो 90 डिग्री बनाया है नॉर्मल पल सरफेस के परपेंडिकुलर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब दैट इज एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन करिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे जानेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने, अगर रिकैप करें इसको, तो क्या क्या जाना। सबसे पहले लाइट के बारे में जाने। लाइट कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट उसको फॉलो करती है। लाइट जो है इंडिपेंडेंट होती है। दो लाइट रे अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है और वो मान लिया किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी, एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए वो फर्दर मूव करती है। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना, लाइट की रिवर्सिबिलिटी का नियम। लाइट रे जो है अपने पाथ को रिट्रेस करती है अगर उसको रिवर्स किया गया है। उसको रिवर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर देंगे किसी प्लेन मिरर में, है ना, तो वो रिवर्स हो जाएगा। और अगर रिवर्स होता है तो फिर वो जिस पाथ से गई है उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। चौथा नियम था लॉ ऑफ ये रिफ्लेक्शन का नियम, है ना, लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन का नियम था चौथा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि लाइट रे क्या होता है, लाइट बीम क्या होती है, बीम कितने तरह के होते हैं। लाइट बीम तीन तरह के होते हैं। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, जो कि ऐसा बीम जो किसी एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में लाइट रे फैले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो लाइट रेज का ग्रुप एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलली मूव करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, है ना। इसका एग्जांपल होता है कि डिस्टेंट सोर्स से जो लाइट रे आती है उसी लाइट रे के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे सनलाइट, मूनलाइट, स्टार्स लाइट, लेजर लाइट, उसके बाद गाड़ियों के हेडलाइट का भी बताया, और एक जो हैवी टॉर्च होता है, जो टॉर्च हैवी ड्राइवर होता है उस टॉर्च की बात कर रहे हैं, है ना। वो टॉर्च बहुत दूर तक अगर लाइट सोर्स को भेज रही है, लाइट सोर्स लाइट जनरेट कर रही है, और वो लाइट अगर बहुत दूर तक जा रही है, और बहुत दूर तक जो लाइट जा रही है या बहुत दूर से जो लाइट आ रही है, हमें तुरंत समझना है कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। समझ आया। हम लोग अभी आगे कर्व मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स वगैरह में पैरेलल रे का इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा, तो उसमें हम लोग समझेंगे क्या कि लाइट रे बहुत दूर से आ रही है, मतलब इनफाइनाइट से आ रही है ना। तीसरा था कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, लाइट रे का ग्रुप किसी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज करे, है ना, किसी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज करे, इसको हम लोग क्या बोले, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट का एग्जांपल लिया था कागज़ जलाने वाला लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपने से होकर जाने वाले लाइट रे को वो कन्वर्ज करती है ना, किसी एक पॉइंट पर मिलाती है, तो उस लाइट रे के ग्रुप को हम लोग कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में जाने, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जाने, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने प्यार दिखाया था अच्छा खासा, अब इसमें भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो भी पढ़ने वाला हो, क्लास टेंथ के जो भी बच्चे हों, क्लास एट के हों, क्लास ट्वेल्थ के हों, उन सबको शेयर करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय। ठीक है, वेरी गुड।